इंसीडियस द रेड डोर एक अमेरिकन हॉरर सीरीज है जिसे लिखा है लेक वालेन। अगर आप में से किसी ने इंसीडियस पहली बार सुना है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इस फिल्म से पहले इसकी चार चार पार्ट आ चुकी है। 2010 से लेकर 2018 तक इसकी सारी पार्ट रह चुकी है। 2018 के चार साल बाद 2023 में इंसीडियस द रेड डोर नाम से पुनः लेक वालेन इसे लिखा। एक्टर लिस्ट के बारे में बताता हूँ मैं, पैट्रिक विल्सन, रोज पेरिन, टाई सिपकिंस, लिन साय। मूवी का बजट लगभग 26.5 मिलियन बताया जा रहा है। भाई पैट्रिक विल्सन को मानना पड़ेगा, जिस मूवी में अभी हाथ लगाते हैं वो मूवी सोना बन जाता है और उस मूवी का जो हॉरर लेवल है वो पढ़ता ही चला जाता है। ट्रेलर जिसमें हॉरर के कुछ सीन दिखाए गए हैं उससे तो लगता है कि मूवी मजेदार होगी। फिल्म की बात करें तो हीरो का एक परिवार है, 10 साल पहले हीरो का परिवार साथ मिलकर शैतानी दुनिया की यादों को भुला देते हैं। वो कहते हैं ना कि अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ते चाहे जितना भाग लो। 10 साल के बाद दोबारा उनके परिवार में अजीब अजीब घटनाएं होती, एक एक करके फैमिली के सभी मेंबर को बीते शैतानी शक्तियों का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि जैसे कोई उनको पुकार रहा हो। पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। फैमिली की बहुत ही डार्क सीक्रेट होती है। अब इन काली शक्तियों से हीरो और उसका बेटा कैसे सर्वाइव करता है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी इंडिया में 7 जुलाई 2023 को रिलीज हो रही है। अगर आपके पास वक्त हो, एक्स्ट्रा पैसे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा जाके मूवी देख। मैं इस मूवी को 10 में से 4.5 रेटिंग दूंगा। आप कितना देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।